हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी और वेलकम करता हूं आप सबको मेरे चैनल गांव का गार्डनर में। ये देखिए, ये मेरा एक बरगद का बोनसाई है जिसको मैं लगभग 6 महीना हो गया हंट करके लाया था। आप देख सकते हैं अभी इसका हालत कैसा है। लाके यहाँ पे एक बार मैं प्रूनिंग किया था, उसके बाद यहाँ पे एक बार किया था। तो अभी मैं चाहता हूँ इसको डिफोलिएशन करना, क्योंकि उसकी पत्ते ख़राब हो रहे हैं। इसमें कुछ, ये देखिए आप, इसमें कुछ, तो इसीलिए डिफोलिएशन करके थोड़ा सेप भी दे देंगे। आप देख सकते हैं ये वाला रूट, एरियल रूट डेवलप हो रहा है। ये एक एरियल रूट मैच्योर हो गया, ये वाला एक है, ये वाला लगभग 1-2 दिन हो गया निकला होगा, ये वाला भी मिट्टी में लग गया। तो चलिए काम शुरू करते हैं। पहले डिफोलिएशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। डिफोलिएशन करने से एक तो उसकी पत्ते भी छोटे होते हैं, और डिफोलिएशन करने के बाद पूरा प्लांट एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव होने से उसके नए नए शूट्स भी निकलते हैं। तो जो ब्रांच छोटे छोटे हैं, नए शूट्स निकल के बढ़ नहीं रहे हैं, वो वाले भी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। तो देखिए, हमारा डिफोलिएशन का काम ख़त्म हो गया। और डिफोलिएशन करने के बाद आप अच्छे से स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। देखिए, तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा ऐसे और इसको थोड़ा ऐसे अगर हम खींच देंगे तो ये वाला ब्रांच इसको साइड में ले आ सकते हैं, हम इसको भी साइड में ले आ सकते हैं, इसको हम फ्रंट बना सकते हैं। तो वायरिंग इसमें हम नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके से मैं सोच रहा हूँ उसको हम टाई करें। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो कैसे मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे पॉट में हम एक ऐसे एक रस्सी बांध देंगे, हो गया। अभी हम एक और रस्सी को यहाँ पे बांध के बांध के हम उसे यहाँ पे खींच सकते हैं। सावधानी से खींचना होगा क्योंकि ब्रांच टूट सकता है। यह हमारा एक हो गया, इसको ऐसे बांध देंगे। 2-4 दिन, 1 हफ्ते के बाद उसको हम फिर से खींच सकते हैं, लेकिन पहले बार में ज़्यादा नहीं खींचेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें
खींचना होगा। एक ही बार में हम ज़्यादा नहीं खींच सकते। इसको यहाँ पे बांधेंगे। आप जैसे भी करके हो, आप प्लांट के शेप, प्लांट को शेप दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो वायरिंग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे मैं जैसे टाई कर रहा हूँ ऐसे भी करके आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये देखिए, ये हो गया। इसको शायद हम और थोड़ा खींच सकते हैं, कोशिश करते हैं खींच के। जी हो गया। तो इसको हम बाद में ये ब्रांच को वायरिंग करके हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसको भी यहाँ दे सकते हैं, इसको भी यहाँ थोड़ा बेंड कर सकते हैं। तो हो गया। थैंक यू दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।